इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भामाशाह श्रीमान शोभागमल जी कटारिया, श्री राजेंद्र जी, श्री रोहन जी, श्री रौनक जी, श्री मानस जी, श्रीमती नीलम जी, श्रीमती अमिता जी कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार अहमदाबाद गुजरात। मैं वंदना करूं ने शिव को पधारे, जो सिद्ध हैं अतुल अव्यय सौख्य धारे। भाई वही समय सारे सुनो सुनाता, जो भद्र बाहु श्रुत केवली ने कहा था। जो भद्र बाहु श्रुत केवली ने कहा था, जो भद्र बाहु श्रुत केवली ने कहा। आदि तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, श्री चौबीसों तीर्थंकर भगवान की, श्रीमद्भद्र बाहु श्रुत केवली भगवान की, श्रीमद कुंद कुंद आचार्य देव की, संत शिरोमणि अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, परम पूज्य आरिका रक्षमासी पूर्णमती माता जी की, वंदनी आरिका संघ की। भाभी जी, जिसके पास खेत बहुत अच्छा हो, उत्तम भूमि हो जिसके पास में, क्या वो व्यक्ति उस खेत में घास उगाता है? अच्छी से अच्छी फसल उगाना चाहता है, सीधी सी बात है। ठीक उसी प्रकार से जिसे सर्वोत्तम कुल मिल गया, सर्वोत्तम जन्म मिल गया, इसके बाद में भी वह भोगों के विष बोए, विष के बीज बोए, ये अच्छी बात नहीं है। नरक और तिर्यंच गति में जाने के साधन जुटाए, वैसे ही अनुचित कार्य करे, ये शोभास्पद नहीं है। कोई पिता कह दे अपने पुत्र से कि बेटा जाओ, बहुत उत्तम भूमि मैंने खरीदी है, उसमें पूरे खेत के अंदर घास उगा दो। घास क्या उगाना, वो तो स्वयं में उग जाएगी, पानी गिरेगा और घास तो उग जाएगी, उसके लिए क्या इतनी मेहनत करना। नरक तिर्यंच गति तो वैसे ही मिल जाएगी तुम्हें, काय को पुरुषार्थ कर रहे हो, गलत खाने का, होटल में जाने का, इधर उधर भटकने का, क्यों परिश्रम कर रहे हो? कुछ नहीं बनता, बुरा करना तो बंद करो, अच्छा करना नहीं बनता है तो कम से कम बुरे कार्य करना तो बंद करो। क्यों अपने आप को बर्बाद करने पर तुले हो? उत्तम समय आ गया है, उत्तम मुहूर्त, उत्तम चौघड़िया, उत्तम भूमि प्राप्त हो गई है, इसमें अब विष के बीज मत बो, मत बो। अनंत काल बीत गया, कब तक अपने आप को बर्बाद करेंगे? कोई अपने आप को बर्बाद करे तो हमें उस पर बहुत गुस्सा आता है। कोई अगर आपसे कहे, कुछ गाली बोल दे जो आपका नाम नहीं है और वो गलत नाम ले ले, तो आपको बहुत बुरा लगता है। बच्चे भी चिढ़ जाते हैं, बच्चों का जो नाम है उस नाम से ना बोल करके कुछ और नाम बोले तो बच्चे भी चिढ़ जाते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि तुम जो नहीं हो वो तुम अपने आप को अनंत काल से मान रहे हो, फिर भी आपके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्या मानते हो तुम अपने आप को? मैं सेठ हूँ, हाँ मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, पता नहीं क्या क्या मानते रहते हैं। कोई पागल कह दे तो चिढ़ जाते हो कि मैं पागल दिखता हूँ तुझे, हाँ? तो फिर कोई तुमसे कह दे कि तुम तो मेरे पापा हो, तुम तो मेरे मामा हो, आप कभी नहीं चिढ़ते, हाँ? मैं आत्मा हूँ, मैं कोई पापा मामा कुछ नहीं हो, समझे? मैं तो एक आत्मा ही आत्मा हूँ, बस। भगवान ने मुझे ये परिभाषा दी है, भगवान ने नाम दिया है मुझे, आत्मा शब्द कह करके पुकारा है, और तुम मुझे ऐसे ऐसे नामों से पुकारते हो,
मैं अब ये व्यवहार नहीं कर सकता, बहुत कर लिया ये व्यवहार, जब पर समय समाप्त हो जाता है तो वहीं पर स्व समय उद्घाटित हो जाता है। स्व समय होने के बाद में तुम कहो कि पर समय कहाँ है, दिख तो रहा ही नहीं है, कि दिखने वाली चीजें नहीं है, क्योंकि भावों में जब परिणमन हो गया, परिवर्तन हो गया, पर समय समाप्त हो गया और वही आत्मा स्व समय रूप हो गया, दृष्टि बदल गई, पर समय बदल करके स्व समय हो गया। पहले के समय की एक घटना है, एक बुढ़िया रहट चलाया करती थी और जब रहट चलाती थी तो उसमें पुराने जमाने में तकुआ लगा रहता था, तो जब वह तकुआ उसने देखा कि टेढ़ा हो गया है, रहट में दिक्कतें आ रही हैं, उसको तकुआ को निकाल करके लोहे का रहता था तो उसकी वह टेढ़ निकालने के लिए लोहार के पास गई। लोहार से पूछा क्या लोगे इसकी टेढ़ निकालने का, उसने कहा 1 रुपये में निकल जाएगी, पहले का सस्ता जमाना था, 1 रुपये में निकल जाएगी। उसने कहा ठीक है, उसने टेढ़ निकाल दी। जब टेढ़ निकाली तो वह बुढ़िया तो अड़ गई कि मुझे वो टेढ़ दो, वो टेढ़ दे दो मुझे। लोहार ने कहा मैं कैसे दे सकता हूँ वो टेढ़, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं कि निकाल करके मैंने रख दी और फिर तुम्हें दे दूँ। उसको बहुत समझाया, मानने को तैयार नहीं है। फिर उसने उसको उसी भाषा में समझाया कि देखो ये टार्च नहीं है, हाँ कि पुराना मसाला निकाल दिया, सेल वगैरह निकाल देते थे ना उसको, मसाला बोलते थे पुराने जमाने के लोग, तो देखो पुराना मसाला निकाल दिया, नया मसाला डाल दिया, तो पुराना मसाला तुम्हारे हाथ में आ गया, ऐसे कोई टार्च नहीं है ये, समझे, ये तकुआ है, उसके टेढ़ निकाल दी वो सीधा हो गया, अब उसके टेढ़ कोई बची हुई वस्तु नहीं है जो तुम्हारे हाथ में दे दी जाए। वो बुढ़िया तो समझ नहीं पाई और विवाद करती रही, खैर छोड़ो उसे, लेकिन हम तो समझते हैं ना कि पर समय निकल गया तो अब वह स्व समय हो गया, अब पर समय कोई हाथ में दिखने वाली चीज नहीं है। जो पर में दृष्टि जा रही थी उसको स्व में छोड़ लिया, बस जो दृष्टि पर में जाती थी उस दृष्टि को स्व में जोड़ लिया, जो दृष्टि पर में जाती थी, जो दृष्टि पर ही पर में जाती थी, कौन लाएगा उस दृष्टि को स्व में, हम खुद लाएंगे। कैसे आएगी, जब रुचि जागृत होगी, जब स्व तत्व की महिमा आएगी, जब स्व तत्व अच्छा लगेगा, जब अपनापन होगा। बोले माता जी हमें तो बहुत अपनापन है, हाँ पूरे परिवार के लोगों से इतना अपनापन है कि हम तो जान तक छिटक देंगे उनके लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्ते नातों के लिए। कौन सा शूरवीर का काम कर दिया तुमने, ये तो अज्ञानता का काम कर रहे हो, ये तो मोह का काम कर रहे हो, कोई बड़ा काम नहीं है। बड़ा काम तो है, वीरों का काम तो यह है जो अपने आप को जागृत कर ले, अपने आप को जान ले, ये है सबसे बड़ा कार्य जो आज तक ये जीव कर नहीं पाया, बहुत बड़ा कार्य है। इसमें लगता क्या है, क्या लगता है अपने आप को जानने में, क्या लगता है जो बाहर को जान रहे हैं ना, ये पेंसिल है, ये माइक है, ये फूल है, ये है, सब देख रहे हैं ना, सब जान रहे हैं, उससे हट करके स्व को जानना है, पर वो जानने में नहीं आता है। क्यों नहीं आता, पता नहीं कौन सी दीवार खड़ी है कि वहाँ तक दृष्टि जाती ही नहीं है। बंद करो आँखें, बंद भी कर लेते हैं, घोर अंधकार दिखाई देता है, घुप अंधकार, कुछ दिखाई नहीं देता। जैसे एक नगर सेठ ने पूरे नगर के लोगों को निमंत्रण दिया भोजन का, उसका बड़ा दिन था, बेटे का जन्मदिन था और बेटा 10 वर्ष के बाद भी जन्मा था, प्रथम जन्मदिवस था, पूरे नगर के लोगों को उसने न्योता दिया, आए सारे लोग, बंदोबस्त किया गया था, व्यवस्थाएं बनाई गई थी गांव के अमुक अमुक लोगों ने कि परोसगिरी किसको कराना है, कैसे भोजन में पंक्तिबद्ध बैठाना है, सारी अच्छे से समुचित व्यवस्था चल रही थी। कि कहा कि उस व्यक्ति को न्योता दोगे क्या, बोले देना तो पड़ेगा क्योंकि गांव का ही व्यक्ति है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा
आलसी है, महा आलसी है, वो कुछ नहीं करता। आलसी के नाम से वह यहाँ पर प्रसिद्ध है, कुख्यात है, विख्यात नहीं, कुख्यात है। बुलाओगे, बुलाना तो पड़ेगा। बुलाया उसे, और जैसे ही बुलाया तो लोगों ने कहा कि पहले तुम्हें परोसगिरी करवानी होगी। उसने कहा मैं ज़रूर करवा दूंगा, लेकिन एक बार मुझे भोजन करना होगा, क्योंकि मैंने कल से भोजन नहीं किया। मुझे ज्ञात हुआ था कि आज यहाँ पर न्योता है, जीवन है, तो मैं कल से ही भूखा हूँ, इसलिए पहले मुझे भोजन करा दो। मैं भोजन करके फिर सबको परोसगिरी का काम करवा दूंगा, पहले भोजन करा दो। ठीक है, लोगों ने सोचा अभी करे चाहे बाद में करे, काम करेगा, कह रहा है, तो भोजन कराने के लिए बिठा दिया। भोजन कराया, इतना डट के खाया, इतना डट के खाया, इतना डट के खाया कि वहीं पर ही उसको नींद आ गई, वहीं सो गया। आने जाने वाले लोग बैठे तो कहाँ बैठे, और खर्राटे ले रहा, ये और मुसीबत। उसको कहा भाई तू उठ, इस तरह से काम नहीं चलेगा। तूने कहा था कि मैं भोजन को परोसने का काम करूँगा, और तू खा करके यहाँ यहीं पर सो गया, ये क्या है? उसने कहा देखो अब मैं परोस नहीं सकता, क्योंकि अब पेट इतना भर चुका है कि मुझसे तो झुकते ही नहीं बनेगा, बिल्कुल झुक नहीं सकता मैं, अब कुछ नहीं कर सकता। बात ऐसी ही है, खाने के पहले भी कुछ नहीं कर सकता और खाने के बाद में भी नहीं कर सकता। लोगों की बस यही तो बहाने हैं, आँख बंद करें तो भी नहीं दिखता, और आँख खोलूँ तो भी आत्मा नहीं दिखता। आँखों से नहीं दिखता, आत्मा रुचि से दिखता है। इंटरेस्ट हो तो इंटर हो जाए, इंटरेस्ट ही नहीं है तो इंटर कैसे होगा, प्रवेश कैसे होगा अपने भीतर में, प्रवेश नहीं हो सकता। जहाँ रुचि होती है वहीं आत्मा की शक्तियाँ जाती है, रुचि अनुसार ही वीर्य होता है। रुचि है तो आप भव्य आत्मा यहाँ पर आ गई, अपनी आत्मा की कथा चलो रे चलो सुनने के लिए चले, बड़ा आनंद आता है। अपनी कथा बहुत सुनी राजा रानी की कथा, लेकिन इस बार अपनी कथा है। भले राजा रानी की कथा आएगी, कहानी आएगी, लेकिन वो सुनना कोई उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है निज आत्मा की कथा का श्रवण करना, मैं कैसा हूँ, क्या स्वरूप है मेरा, क्या गाँव है मेरा, क्या धाम है मेरा, क्या काम है मेरा, ये सारी सारी बातों की जानकारी मिलेगी तो समय सार ग्रंथ राज में मिलेगी। ऐसी अद्भुत कथा है समय सार ग्रंथ राज में। तो शिष्य पूछता है हे कुंद कुंद महाराज, हे प्रभु, आपने कहा कि जो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र ऐसे उत्तम उत्तम गुणों में अपनी दृष्टि को स्थिर कर देता है वह स्वसमय है, और जो पुद्गल के प्रदेशों में ही भटकता रहता है, पुद्गल में ही पुद्गल को ही बटोरना, उसी का संरक्षण करना, हाँ धन दौलत को कहाँ रखना, उसकी चाबी कहाँ रखना, कहाँ धन दौलत सुरक्षित रहेगा, ये सारी नॉलेज कितनी गंभीरता से आपके पास में है, लेकिन मैं अपने आत्म धन को कहाँ सुरक्षित करूँ, कैसे सुरक्षित रहेगा? अनंत काल से मेरे चेतन आत्म धन को कर्म रूपी चोर लुटेरे लूट रहे हैं, इसके बारे में कुछ नहीं सोचा। जो अपने निजी धन को सुरक्षित न करे और औरों के धन को सुरक्षित करे, क्या उसे बुद्धिमान कहेंगे? बोलिए ना, बोलो बोलो, करेंगे उसको बुद्धिमान कहेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप लोग सोच रहे हैं कि मैं अपने आप को मूर्ख कैसे कहूं, अब सीधा नहीं बोल रही हूं मैं, आप ही की बात को थोड़ा सा वाक्य बदल करके बोल रही हूं। हाँ, हम अपने आप को मूर्ख कैसे कहें, क्योंकि हम अपने निजी धन को तो संभाल ही नहीं रहे, अनंत काल हो गया, कर्म रूपी लुटेरे लूट रहे हैं, लूट जाने तो अपने हाथों से लुटा रहे हैं, आओ रे आओ, लूट जाओ मेरा चेतन धन लेकर के जाओ, लुटा रहे हैं कर्म रूपी तस्करों को, मोह माया से, पाप से, कषायों से, और अपने धन को लुटा रहे हैं। कौन सा है हमारा धन पता ही नहीं है, मालूम ही नहीं है अपना धन कौन सा है, तो उसकी सुरक्षा कैसे करेंगे? आपको तो ज्ञात है, बच्चे को भी पता है कि ये हमारे घर का धन है, ये हमारे घर की प्लेट है, एक जरा सी लोहे की प्लेट भी होगी तो उठा करके अपने घर ले जाएगा, इतना शातिर दिमागी है वो तुम्हारा बच्चा, चतुर दिमाग का, और माँ बाप उसको बेटा धन्यवाद धन्यवाद शाबाश बेटा, ये है ना मेरा बेटा, देखो एक प्लेट बाहर रखी थी, हाँ दूसरे के आंगन में रखी थी, उठा करके बेटा ले आया, चतुर है बेटा, तू अब बहुत धन को संभालेगा, अभी से ही
भूत के लक्षण पाले में दिख रहे हैं। हाँ दिख रहे हैं, दिख रहे हैं कि कबाड़ा इकट्ठा करेगा, दिख रहे हैं। जो सच्चा धन नहीं है, पुद्गल है, जड़ धन है, उसको इकट्ठा कर और माँ बाप उसको धन्यवाद देते, बहुत होशियार है माता जी हमारा बेटा। हमने कहा कैसा होशियार है, माता जी अपनी हर चीज पहचानता है। अच्छा वाह, हमने कहा क्या चीज पहचानता, अपने ज्ञान दर्शन चारित्र गुण को पहचानता है? नहीं नहीं वो नहीं, अपना घर कहाँ है वो पहचानता है, अपनी मम्मा को पहचानता है। मैंने कहा खाक पहचानता है, काहे की पहचान? अरे दुनिया को जान लिया तो कौन सी बड़ी बात की, ये तो अनंत काल से कुसंस्कार चले आ रहे हैं जीव के अंदर मोह माया के। आचार्य देव कहते हैं मोह की महिमा देखो क्या तेरे मन में समाई, तूने अपनी ही महिमा भुलाई, चेतन अपनी ही महिमा न जानी। मोह की महिमा देखो क्या तेरे मन में समाई, तूने अपनी ही महिमा भुलाई, चेतन अपनी ही महिमा न जानी। अब उपयोग तो एक ही तरह लगेगा, या तो बाहर के धन को संभाल ले, बाहर के धन को पहचान ले, या कि अपने भीतर के अंतर जगत के चिन्मय चैतन्य धन को पहचान ले। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे भामाशाह श्रीमान शोभागमल जी कटारिया, श्री राजेंद्र जी, श्री रोहन जी, श्री रौनक जी, श्री मानस जी, श्रीमती नीलम जी, श्रीमती अमिता जी कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार अहमदाबाद गुजरात।